सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सो ये वीडियो है आपके लिए। एक लेटेस्ट अपडेट आया है, सैमसंग ने अपना ऑनिक्स लॉन्च कर दिया है। ऑनिक्स थिएटर स्क्रीन्स लॉन्च कर दिए हैं, जो कि PVR के साथ उन्होंने टाई अप करके सैमसंग ने अपना ऑनिक्स LED स्क्रीन्स लॉन्च किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनिक्स स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ आपको दिखेंगे कंटेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि आप प्रिसीजन जो है अल्ट्रा कंट्रास्ट के साथ होगा आपका, और जिसमें 18-bit प्रोसेसिंग होगी, और आप बहुत ही डिटेलिंग में वीडियोस देख पाएंगे, जो कि आप मूवीज़ देखने जाएंगे, एक्सपीरियंस करने जाएंगे थिएटर्स में, जो कि वसंत कुंज में लेटेस्ट अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया गया है। सो ऑनिक्स स्क्रीन में आप देख सकते हैं, जो कि LED स्क्रीन होगी, पूरी LED थिएटर स्क्रीन होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कन्वेंशनल प्रोजेक्टर और सैमसंग ऑनिक्स में क्या डिफरेंस है। आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, और कलर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सैमसंग ने नया लॉन्च किया है। आई होप आप अब जब मूवीज़ देखने जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस और भी बेटर होगा ये ऑनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ। अभी ये वसंत कुंज में दिल्ली में लॉन्च किया गया है सैमसंग का ऑनिक्स थिएटर स्क्रीन। धीरे धीरे ये और भी थिएटर स्क्रीन्स में लॉन्च होगा और आप इसका आनंद ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं 3D मूवीज़ भी अगर आप देखेंगे जाके, तो आप कन्वेंशनल प्रोजेक्टर में जब तक 3D मूवीज़ देखते थे तो अनक्लियर और डार्क दिखती हैं, और अब आप सैमसंग ऑनिक्स में क्लियर और इमर्सिव और ब्राइट देख सकते हैं, जिसमें आपको मूवी देखने का मज़ा और भी ज़्यादा आएगा। और बता दूँ आपको कि ये सैमसंग के ऑनिक्स की भी जितनी स्क्रीन है, ये सिंक होंगी हर्बन के JBL स्कल्पचर्ड सराउंड साउंड के साथ। ठीक है, तो आपको जो है मल्टी सेंसरी प्रेजेंटेशन देंगे, तो ये ब्रॉड थिएटर वाइड कवरेज प्रोवाइड करेगा आपको कस्टमर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये JBL प्रोफेशनल हर्बन, जिसमें टिपिकल स्कल्पचर्ड साउंड होगी, तो आपको काफ़ी और ही अच्छा साउंड का भी अनुभव होगा, और आप काफ़ी इसका बेहतरीन मज़ा ले पाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसका एक्सपीरियंस, तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद ये मुंबई में भी लॉन्च होने वाला है जल्दी, बहुत ही जल्द, और धीरे धीरे अपनी स्क्रीन्स बढ़ाएंगे। और टिकटिंग का मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा टिकटिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होएगा, जो भी आप मूवी के लिए अभी पे करते थे, आई थिंक उससे आपको 30-40 rupees या 50 rupees एक्स्ट्रा पे करके आप ऑनिक्स स्क्रीन्स में मूवीज़ का मज़ा ले सकते हैं। राइट सर, तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और लाइफस्टाइल कंटेंट भी मेरे चैनल पे है। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे, बाय।